आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि देश का चेहरा मोहरा बदलने की क्षमता यदि किसी एक चीज में है तो ये जीएसटी में है, और देश की राजस्व में बढ़ोतरी होगी। आम आदमी को जब वो भुगतान करता है टैक्सेस का, उसमें सरलता आएगी, वो भ्रष्टाचार तो बुरी मात्रा में दूर होगा। यदि आपकी व्यवस्था पूरी सरल है, डिस्क्रिशन चली गई, आपके ऑनलाइन असेसमेंट हो रही है, ऑनलाइन रिटर्न फाइल हो गए, तो भ्रष्टाचार की परिस्थिति कैसे पैदा होगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण आज जीएसटी के माध्यम से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों को इस लंबे सफर के लिए और इस सफर को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए, एक नए सफर का आगाज करने के लिए अभिनंदन दिया, शुभकामनाएं दी। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियां भिन्न भिन्न राज्य की सरकारें केंद्र की सरकार के साथ एक मंच पर आए और सामूहिक निर्णय, यूनानिमस डिसीजन जीएसटी के संदर्भ में ले। तो आज हम और हमारे मित्र अश्वनी चौबे उस इतिहास के साक्षी हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जीएसटी देश के लिए है, गरीबों के लिए है, हिंदुस्तान को आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाला है। दिस विल ब्रिंग मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इट विल एड टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री, रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड द मनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रॉडन एंड द पुअर। वो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है, उनके लिए हम लोग जो भी प्रश्न समस्या उसको मदद करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा एक महीने का टाइम देना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चैनल 2 लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।